असी अज गुरद्वारा कोतवाली साहब ड्यूटी बैठे थे तकरीबन 1:10 तो अंदर जो फाटकी खोल के अंदर बढ़िया उन्हें एक अचानक ही हमला साढ़े ते करता सानू सुजे नहीं भी इन्नी जोर जोर से मारे भी जिकने सुन जो हो गए थे जिनक मारते सरूप में बचाते बचाते फिर उन्हें मैंने छड़ के दूजे सिंह साहब को उन्हें मारना शुरू करता जिन्होंने असं फिर कृपान श्री साहब कढ़ी उन्होंने फिर बाहर न भज लिया छुट्ट छुटा के बाद फिर संगत ने जो मतलब किया गई है उछालन लग गया बचाउन लग गए महाराज सरूप अगे हुए इन्हें इधरों छड के उन्हें दूजे सिंह ते फिर हमला बोलता अखंडपुर साहब जी जन आ रहे थे अचानक ही पंख छापा बंदा अंदर आया जिसने सब तो पहले मेरे साथी उत्ते बेरहमी हमला किया उन्हें पगड़ी कर दी बहुत बुरी हालत की गुरु ग्रंथ साहब ने उल्टा पुल्टा करने का यत्न किया उस तो बाद मेरे उत्ते ऐसा हमला किया मैं गुरु ग्रंथ साहब चौंका होया उसने मेरी अखे अखा पर इन्ना मौका फेरिया मेरी अख फुटने से बच रही और गुरु ग्रंथ साहब ने बचा उत्ता जंगला पार करके ग्रंथ सिंह ने थप्पड़ मारे तो गुरु ग्रंथ साहब ने मार दी बेइज्जती करी पटाए उन्होंने इन्ना घाण कर रहे ना जुल्म बहुत हो रहा जी असं हूँ अगले पुलिस चक्के लिया जी जो डोगले बंदे ने कमेटी वाले जो खान चोर जारी बैठे हुए उन्होंने पुलिस को फोन करके अपने बंदा यानी जरा परमात्मा कह रहे अच्छा जिहड़ा लड़का फड़िया है तुसीं कह रहे हो जिन्हें बेअदबी की है वो लोकल ही बंदा या बाहरों लोकल बंदा ही उड़े जिहड़ा परमात्मा कह रहे हैं जिहड़ा प्रधान कोई होना वो उन्हां दा कोई भतीजा ही है इन्हें बेअदबी कराई है तो उन्हें फोन करके पुलिस को बुला के हूँ तुम की मांग करते पे हो असीं मांग कर बाबा बंदा सानू उरे दे दे असीं होर कोई मांग नहीं करते उन्हां जिथे पक्का धरना लगा रहेगा साडा असी अज गुरद्वारा कोतवाली साहब च ड्यूटी बैठे थे तकरीबन 1:10 तो अंदर जो फाटकी खोल के अंदर बढ़िया उन्हें एक अचानक ही हमला साढ़े ते करता सानू सुजे नहीं भी इन्नी जोर जोर से मारे भी जिकने सुन जो हो गए थे जिनके मारते सरूप में बचाते बचाते फिर उन्हें मैंने छड़ के दूजे सिंह साहब को उन्हें मारना शुरू करता जिन्होंने असं फिर कृपान श्री साहब कढ़ी उन्होंने फिर बाहर नूं भज लिया छुट्ट छुटा के बाद फिर संगत ने जो मतलब किया गई है थोड़े उछालन लग गया बचाउन लग गए महाराज सरूप अगे हुए इन्हें इधरों छड के उन्हें दूजे सिंह ते फिर हमला बोलता अखंडपुर साहब जी से जन आ रहे थे अचानक ही पंख छापा बंदा अंदर आया जिसने सब तो पहले मेरे साथी उत्ते बेरहमी हमला किया उन्हें पगड़ी कर दी बहुत बुरी हालत की गुरु ग्रंथ साहब ने उल्टा पुल्टा करने का यत्न किया उस तो बाद मेरे उत्ते ऐसा हमला किया मैं गुरु ग्रंथ साहब चौंका होया उसने मेरी अखे अखा पर इन्ना मौका फेरिया मेरी अख फुटने से बच रही और गुरु ग्रंथ साहब ने बचा उत्ता कोतवाली साहब शहर का खुशी स्थान बाबा गुरु गोबिंद बंदा है कि वो अंतर एंटर होया कोतवाली साहब के अंदर क्योंकि जंगला पार करके ग्रंथ सिंह ने थप्पड़ मारे तो गुरु ग्रंथ साहब ने मार दी बेइज्जती करी पटाए उन्होंने तो इन्ना घाण कर रहे ना जुल्म बहुत हो रहा जी असं हूँ अगले पुलिस चक्के लिया जी जो डोगले बंदे ने कमेटी वाले जो खान चोर जो बैठे हुए हैं उन्होंने पुलिस को फोन करके अपने बंदा यानी जरा परमात्मा कह रहे हैं उन्हें अच्छा जिहड़ा लड़का फड़िया है तुसीं कह रहे हो जिन्हें बेअदबी की है वो लोकल ही बंदा या बाहरों लोकल बंदा ही उड़े जिहड़ा परमात्मा कह रहे हैं जिहड़ा प्रधान कोई होना वो उन्हां दा कोई भतीजा ही है इन्हें बेअदबी करी है तो उन्हें फोन करके पुलिस को बुला के उत्ते बंदा हुण तुसीं की मांग करदे पए हो असीं मांग कर बाबा बंदा सानू उरे दे दे असीं होर कोई मांग नहीं करदे उन्हां जिथे पक्का धरना लगा रहेगा साडा असी अज गुरद्वारा कोतवाली साहब जी ड्यूटी बैठे थे तकरीबन 1:10 तो अंदर जो फाटकी खोल के अंदर बढ़िया उन्हें एक अचानक ही हमला साढ़े ते करता सानू सुजे नहीं भी इन्नी जोर जोर से मारे भी जिकने
सुन जो हो गए थे जिनके मारते स्वरूप बचाते बचाते फिर उन्हें मैंने छड़ के दूजे सिंह साहब को उन्हें मारना शुरू करता जिन्हों ने असी फिर कृपान श्री साहब कढ़ी उन्हें फिर बाहर न भज लिया छुट्ट छुटा के बाद फिर संगत ने जो मतलब किया गई है उछालन लग गया बचाउन लग गए महाराज दे सरूप को लगे हुए इन्हें इधरों छड़ के दूजे सिंह ते फिर हमला बोलता अखंडपुर साहब जी जन आए थे अचानक ही पंच छत्ता बंदा अंदर आया जिसने सब तो पहले मेरे साथी उत्ते बेरहमी के हमला किया उन्हें पगड़ी उतार दी बहुत बुरी हालत की गुरु ग्रंथ साहब ने उल्टा पुल्टा करना जतन किया उस तो बाद मेरे उत्ते ऐसा हमला किया मैं गुरु ग्रंथ साहब चौंका होया उसने मेरी अखे अखा पर इन्ना मौका फेरिया मेरी अख फुटने से बच रही और गुरु ग्रंथ साहब को बचा उत्ता जंगला पार करके ग्रंथी सिंह ने थप्पड़ मारे तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी बेइज्जती करी पटाए उन्होंने तो इन्ना कांड कर रहे ने ना जुल्म बहुत हो रहा जी असं हूँ अगले पुलिस चाके लिया जी जो डोगले बंदे ने कमेटी वाले जो खान चौर जो बैठे हुए उन्होंने पुलिस को फोन करके अपने बंदा यानी जरा परमात्मा कह रहे अच्छा जिहड़ा लड़का फड़िया है तुसीं कह रहे हो जिन्हें बेइज्जती कीती है वो लोकल ही बंदा या बाहरों लोकल बंदा ही उड़े जिहड़ा परमात्मा कह रहे जिहड़ा प्रधान कोई होना ही वो उन्हां दा कोई भतीजा ही है इहने बेइज्जती करी है ते उहने फोन करके पुलिस नूं बुला के उत्ते भेज बंदा हुण तुसीं की मांग करदे पए हो असीं मांग करदे बाबा पंता सानूं उरे दे देवे असीं होर कोई मांग नहीं करदे उहनां जिथे पक्का धरना लग्गा रहेगा साडा।